हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जो लोग YouTube पर वीडियो बनाते हैं, या उनका चैनल है, या वो आगे चैनल बनाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, हुआ कुछ मेरे साथ ये कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक टीवी पर प्रोग्राम आ रहा था, और उसमें एक जो है रियलिटी शो था, सारेगामा पर लिटिल चैंप्स। उसमें दो बच्चे बहुत अच्छा गा रहे थे, एक सलमान अली और दूसरा जैद अली। आप लोगों ने भी उनका गाना सुना होगा। तो हुआ क्या, मुझे अच्छा लगा, मैंने वीडियो बनाया और उसको हमने चैनल पर अपलोड कर दिया। अब हमें ज़्यादा टेक्निकली तो चीज़ें पता नहीं थी यूट्यूब की, तो उसमें हुआ क्या कि मेरे चैनल पर आ गई कॉपीराइट स्ट्राइक। एक स्ट्राइक आने से 3 महीने के लिए मोनेटाइजेशन जो है वो डिसेबल हो जाता है, यानी मेरे चैनल पर कोई भी एड 3 महीने तक नहीं आएगा। और अगर ये रिपीट हो गया ये काम 3 महीने के अंदर, दूसरी बार भी अगर आपने गलती कर दी और तीसरी बार भी गलती कर दी, तो आपका चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है, यानी चैनल ही सस्पेंड हो जाएगा। आप और हम दोनों का रिश्ता एक झटके में समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपसे कहते रहते हैं कि नीचे जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर का अकाउंट आपको बताते हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिससे अगर एक चैनल टर्मिनेट होता है तो दूसरे चैनल पे हम लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लोग इकट्ठा हो सकें, नहीं तो हम और आप एक झटके में अलग हो जाएंगे। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा अपसेट लगा और अच्छा नहीं लगा, उसी वजह से वीडियो भी 1-2 दिन नहीं बनाया। तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि मैंने जो गलती की है, आप लोग उस गलती को मत रिपीट करना, और जो भी कंटेंट है यूट्यूब पर अपना ही कंटेंट डालना। बेसिकली रहता तो मेरा ही कंटेंट है, बट ये अनजाने में हमसे कुछ गलती हुई। और यूट्यूब की तरफ से मेल भी आया था, इधर आप देख सकते हैं, और उन्होंने सब पूरा बताया उसको। फिर जाके मैंने नेट पर सर्च किया, तब जाके उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कलेक्ट। और अगर 3 महीने के अंदर फिर से ऐसी कोई स्ट्राइक आ जाती है तो मेरा चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है आगे भी। तो 3 महीने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, और आगे इससे संबंधित जो भी अपडेट होगी वो हम आपको बता देंगे। और आप जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से अगर किसी के पास इसका सॉल्यूशन हो कि 3 महीने के पहले ही इस स्ट्राइक को कैसे डिसेबल करें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस गलती को मत करना, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं, आप लोग वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो ये छोटी सी जानकारी को अवश्य याद रखना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।